हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, माय नेम इज अनमोल। तो स्वागत है आप सब लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं शेड की ओर। आज बहुत ही ठंडा मौसम है, बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई आज मॉर्निंग में। तो अभी 7 बजे हैं फिलहाल। हमने सोचा ये फैट बाइक, हमने 1 मंथ हो गया इसको ली को, 1 मंथ पहले ली थी ये अप्रैल में, 1 अप्रैल को। तो हम देख रहे थे इसको भी, इसकी डिस्क ब्रेक है जो इसमें दी गई है वो जल्दी ही काम करने से बंद हो गई है, तो इसे रिपेयर करते हैं आज। तो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आई है। तो बने रहे हमारे साथ, तो देखते हैं इसमें डिस्क ब्रेक में क्या दिक्कत है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पीछे वाली ब्रेक अब वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, और जो आगे की ब्रेक अब वो काम नहीं कर रही है, तो इसको आज रिपेयर करते हैं। तो और आप देख सकते हैं इधर जब ये चलता है तो थोड़ा वाइब्रेशन करता है, इसकी वजह से ये हिल रही है आप देख सकते हैं, और इसकी वजह से साउंड भी आता है थोड़ा सा। तो आज इसे रिपेयर करते हैं अच्छे से, तो बने रहे हमारे साथ। तो घर पर ही से रिपेयर करते हैं। बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो पीछे वाली अच्छे से लग रही है वैसे, तो आगे की ब्रेक काम आगे से रिपेयर करते हैं। सो गाइस, जब हमने ये साइकिल ली थी तो एलन की भी हमने साथ ही ले ली थी, क्योंकि इसके सारे नट बोल्ट इससे खुलेंगे, तो करते हैं ऐसे ओपन। तो गाइस, इसके सारे नट ढीले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हाथ से ही खुल रहे हैं, ये रिपेयर करते हैं एलन की से। तो पहले ओपन कर लेते हैं सारी। तो देखते हैं इनमें कौन सी फिट रहती है। तो ये बिल्कुल फिट आ चुकी है जैसा कि इसे फुल टाइट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से टाइट हो चुके हैं अब ये एलन की से, बहुत ही आसान हो गया ये काम, वरना ये किसी भी मतलब चाबी या किसी प्लास वगैरह से ठीक नहीं होते। जिसके नट भी इसके जैसा ही देख सकते हो, ये बिल्कुल ही ढीले हैं देख सकते हैं आप। इस करके आवाज करता था यहाँ, इसमें टायर में थोड़ी हवा भी कम है इसके। सो गाइस, आज चेक करने वाले हैं ऐसे भी ब्रेक में थोड़ा फर्क आया या नहीं, तो अभी चलाकर बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही तेज जो उतराई है ये, देख रहे हैं ब्रेक काम कर रही है या नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं वो आप, ब्रेक काम कर रही है, बहुत ही तीखी है ये उतराई, और फिर भी ब्रेक काम कर रही है, तो थोड़ा फ़र्क आ गया है इसमें। तो अब थोड़ी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं इसके साथ ब्रेक में थोड़ा फ़र्क आया नहीं, तो आपको बताते हैं। तो गाइस, ये डिस्क है जो, इसको हाथ नहीं लगा सकते आप, बहुत ही गर्म हो जाती है ये, और 1 सेकंड में इतनी गर्म हो चुकी है, इसको हाथ नहीं लगा सकते। तो आप इसके साथ ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको बताते हैं, आपको ऐसे मज़ा नहीं आ रहा होगा वीडियो में, तो आपको ऑफ रोडिंग करके बताते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं आप लोग। तो ऑफ रोडिंग करने वाले हैं हम इसके, तो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छी साइकिल है, तो देखते हैं ऑफ रोडिंग के लिए कर कर देखते हैं थोड़ी ऑफ रोडिंग।
तो गाइस आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही है जी, आप देख नहीं सकते कैमरे में, तो बहुत ही हीली है जी, पत्थरीली है, तो फिर भी इतनी आसानी से ये बाइक उस पर चल गई। तो आप आपको इसकी डिस्क ब्रेक की दिखाती हैं, डिस्क ब्रेक कैसे काम करती है इसमें। जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत ही हार्ड तरीके से इसको ऑफ रोड किया और वहाँ हमने इसको चढ़ाकर देखा तो बिल्कुल आसानी से पावर टेस्ट इसका किया, तो बहुत ही आसानी से वहाँ भी चढ़ गया। और इसकी ब्रेक टेस्ट भी हमने की, ब्रेक टेस्ट भी बहुत पावरफुल है इसकी, जैसा कि आपने देखा वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप इमेजिन नहीं कर सकते गाइस ये इतनी अच्छी साइकिल है। अगर आपने ये साइकिल लेनी है तो बहुत ही शानदार है ये साइकिल ऑफ रोड के लिए। तो मिलते हैं आपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जब तक के लिए टेक केयर।